स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। किसान आंदोलन समर्थकों ने जमशेदपुर के अलग अलग जगहों पर मनाई खुशियां। किसान मजदूर एकता की जीत बताकर लोगों में वितरित किए गए लड्डू। साक्षी गोल चक्कर से निकला जुलूस, पटाखे फोड़ कर मनाई खुशी। भाजपा उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कानून वापसी पर दी सभी प्रतिक्रिया। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली के नाम पर वसूली करने वाले 6 गिरफ्तार। पकड़ाए आरोपियों के पास से हथियार व गोलियां भी बरामद। PLFI के नाम पर ठेकेदार से 30 लाख की मांगी थी लेवी। पूछताछ में लेवी वसूली सहित कई मामलों में स्वीकारी संलिप्तता। SP अजय निंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और जमशेदपुर में पुलिस जांच से बचना पड़ गया महंगा। कोरोना जांच से बचने की कोशिश में ट्रक से कुचला बाइक सवार। पार्डी सिटी इनके पास घटी दुर्घटना में युवक बुरी तरह हुआ जख्मी। ट्रक के नीचे घिसकते जाने से युवक की बाइक भी हुई क्षतिग्रस्त। विरोध में किया गया NS जाम, पुलिस ने समझवा कर हटवाया। आइए बात करते हैं कृषि कानून वापसी की घोषणा पर किसान समर्थक संगठनों द्वारा खुशी मनाए जाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा किए जाने को लेकर जहां किसान समर्थक खुशियां मना रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार के समर्थक इस पर सभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा पर गुरुवार को जमशेदपुर में कई संगठनों ने खुशियां मनाई। AIEKKMS, AIDSO के साथ ही शहर के कई सिख संगठनों ने कृषि कानूनों की वापसी की खुशी में साक्षी गोल चक्कर तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान मजदूर एकता की विजय पर देर तक नारे लगाए गए, जबकि प्रदर्शनकारियों ने ढोल नगारों की गूंज के बीच पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने एक दूसरे को अबीर लगाकर भी खुशी मनाई। वहीं कृषि कानून वापसी की खुशी में विभिन्न सिख संगठनों ने आम राहगीरों के बीच लड्डू वितरण भी किया। वहीं प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने इस पर सभी प्रतिक्रिया दी। रघुवर दास ने कहा कि छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिए बने इन कानूनों को कुछ किसान संगठनों व विपक्ष द्वारा गलत रूप में प्रचारित किए जाने से उन्हें वापस लेना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कई बार सही निर्णय को भी लोगों द्वारा उसे गलत संदर्भ में लिए जाने के कारण वापस लेना पड़ता है। आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व का पर्व है, तो मैं सर्वप्रथम समस्त झारखंडवासी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र दिन में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने छोटे किसानों के हित में जो 3 कानून पार्लियामेंट के अंदर बनाने का काम किए थे, लेकिन हमारे विपक्षी पार्टी और कुछ किसान संगठनों ने जो किसानों के हित में जो कानून बने थे उनका सही ढंग से प्रचार न कर किसानों को गुमराह करने का काम किए। फलस्वरूप जो कानून किसानों के हित में थे और किसान नहीं समझ पाने के कारण जो आंदोलन हो रहे थे उससे दुखी होकर
आज इस पवित्र दिन पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कानून को वापस लेने का निर्णय लिया जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। मैं सभी किसान आंदोलनकारियों से अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद सभी किसान संगठन आंदोलन को समाप्त करें और गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ अपने अपने गांव में अपने अपने क्षेत्र में मनाएं। आइए बात करते हैं पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने वाले 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी की। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने जिले के बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र में पीएलएफआई के नाम पर ठेकेदार से 30 लाख रुपए की लेवी मांगने एवं मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने जिले में पीएलएफआई के नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अजय लिंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हाल ही में बड़ा जामदा क्षेत्र में एक ठेकेदार से पीएलएफआई के नाम पर 30 लाख रुपए लेवी की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था। हाल में उसी गिरोह द्वारा किसी दूसरी घटना को अंजाम देने की तैयारी की भनक लगने पर किरीबुरु एसटीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने छापामारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें दीपक गोस्वामी, चुन्नू दास, तापस दास, सोनू महापात्र, विनय कुमार दास एवं विकास कुमार सिंह शामिल हैं, जो सभी गुआ थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के निवासी हैं। बड़ा जामदा थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार का अपहरण करना, उसके साथ मारपीट करना तथा पीएलएफआई के नाम पे रंगदारी मांगने का एक कांड दर्ज हुआ है। उस कांड का उद्भेदन हुआ है। इस कांड में 6 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, मैगजीन, जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा और अन्य सामान बरामद हुए हैं। जो कांड दर्ज हुआ था उसके बाद में एसडीपीओ किरुगुरु अजीत कुजूर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। एक गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ लोग फिर से कांड करने के लिए जमा हुए हैं, तो उसमें इनका सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम गई थी। टीम के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो जो कांड हुआ था इन तो संलिप्त थे ही, उससे पूर्व भी एक कांड जो है बालाजी स्पॉन में हुआ था जिसमें ये लोग कामोफ्लेज ड्रेस पहन के गए थे और वहाँ पे मारपीट किया था। उसके बारे में इन्होंने बताया कि यही लोग थे जो कांड दर्ज किया था। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। आइए बात करते हैं मानगो में ट्रक की चपेट में आकर युवक के गंभीर रूप से जख्मी होने की। जमशेदपुर के मानगो पार्डी स्थित सिटी इन होटल के पास कोरोना जांच से बचने के चक्कर में एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया। यही नहीं, दुर्घटना में उसकी बाइक भी नष्ट हो गई। घटना के विरोध में युवक के परिजनों ने NH-33 जाम कर दिया, जिसे बाद में पुलिस ने हटवाया। मानगो पार्डी चौक के निकट होटल सिटी इन के पास एक बाइक सवार युवक आगे चल रहे कोरोना जांच से बचने के चक्कर में सड़क के दाहिने किनारे जाने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया। वह बाइक समेत ट्रक के नीचे घुस गया। ट्रक का चक्का उसके पैर पर चढ़ जाने से उसका पाव बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि उसकी बाइक भी ट्रक के साथ घसीटने के कारण लगभग नष्ट हो गई। युवक को आनंद फानन में इलाज के लिए TMS ले जाया गया, जबकि स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के विरोध में NH-33 को जाम कर दिया। घायल युवक सुशील यादव पार्डी का निवासी है एवं इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। दुर्घटना के समय वह काम पर ही जा रहा था। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर एवं मुआवजा दिलाने का आश्वासन देकर जाम हटवाया। घटना स्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी युवक व मानगो के DSP ने दुर्घटना एवं उसके बाद के घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। यहाँ पे चेकिंग चल रहा था, वो बाइक से इधर से जा रहा था और एक गाड़ी भी जा रहा था, 4 चक्का, उधर से एक ट्रक आ रहा था। वो कार जैसे जब आगे बढ़ा तो ये जो बाइक वाला जा रहा था ये राइट साइड में हो गया चेकिंग के चलते, तो उसके बाद में ट्रक वाला जो आया उसको मार दिया। तो मारने के बाद में वो पूरा अंदर चला गया तो कुछ दूर तक उसको घसीट के ले गया, जिससे उसका गाड़ी तो डैमेज हुआ ही और लड़का का पैर, दाहिना पैर पिछड़ा दिया, जो उसका पैर पूरा बर्बाद हो गया। उसका नाम सुशील यादव था, उसको TMS ले गया। ये आज अभी यहाँ पर एक बाइक का एक ट्रक के दुर्घटना हुआ है, जिसमें बाइक सवार जख्मी हो गया है। उन्हें अभी अस्पताल से जाया गया है, अस्पताल में भर्ती है, परंतु जैसा बताया गया है कि वे खतरे से भारी। इनके पार्टी के रहने वाले हैं
और उन्हीं के परिजन और उनके कुछ ये कुछ चिंतकों ने यहाँ पर ये सड़क को जाम किया था, और परंतु मानगो थाना और आज़ाद मगर थाना के पदाधिकारी जब उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि ये जो है जाम हुआ है और जाम के पीछे वजह ये है कि एक्सीडेंट है और वो गरीब आदमी है, तो हम लोगों ने इलाज का भी प्रबंध करवा दिया है और अभी फिलहाल जाम जो है ख़त्म हो गया है, परंतु जाम की वजह से काफ़ी संख्या में गाड़ियों हुआ। आइए बात करते हैं होटल में तोड़फोड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर भुइयाडीह में हुए सड़क जाम की। जमशेदपुर के भुइयाडीह स्थित विशाल होटल में गुरुवार सुबह नशीला पदार्थ बेचने वाले युवक द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। दोषी युवकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिन्हें बाद में पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर वहां से हटाया। बता दें कि भुइयाडीह के कल्याण नगर में इन दिनों नशेड़ियों एवं नशीले पदार्थों के कारोबारियों का खुला खेल चल रहा है। आए दिन नशीले पदार्थों के विक्रेता क्षेत्र में आम लोगों एवं दुकानदारों से उलझते रह रहे हैं। गुरुवार सुबह भुइयाडीह स्थित विशाल होटल के संचालक उपेंद्र कुमार सामने होटल पहुंचे रोशन कुमार सिंह नामक युवक एवं उसके साथी से नाश्ता के पैसे मांगे तो उन्होंने चाकू निकाल दिया। हालांकि बगझक में भीड़ जुटती देख दोनों फरार हो गए। बाद में उन्होंने पत्थर मारकर उसके होटल के शोकेस का कांच तोड़ दिया। इससे गुस्साए लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया एवं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वहां सड़क जाम कर दिया। लोगों का आरोप था कि क्षेत्र में नशेड़ियों एवं ब्राउन सुगर विक्रेताओं की हरकतों से सभी आजिज आ गए हैं, दुकानदार भी उनसे परेशान हैं, जबकि जानकारी होने पर भी पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती। बाद में सूचना पाकर पहुंचे थाना प्रभारी अशोक मंडल ने दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थानीय लोगों को सड़क से हटाया। दुकानदार उपेंद्र कुमार साव एवं प्रेम कुमार साव ने बताया कि गुरुवार सुबह नाश्ता करने पहुंचे रोशन नाश्ता के पैसे मांगने पर दादागिरी पर उतर आया एवं होटल में तोड़फोड़ भी की। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। डेली ब्राउन शुगर वाला आता है, मेरे साथ जो झगड़ा किया 3 दिन पहले, उसका नाम रोशन कुमार सिंह है। हम माँ को अपना बहन को लेकर आया कि चलो अकेले तो नहीं हूँ, मानेगा पैसा मांगे, हाथ जोड़ के पैसा मांगे, मेरा कैमरा में रिकॉर्डिंग है। उसके बाद बोला पैसा मांगने वाला कौन होता है, चाकू निकाला दो। उसके बाद वो आदमी का भीड़ देख के यहाँ से भाग गया। फिर मेरा घर भी देखता था, जानता था, घर के पास भी अटैक किया। तो उसको मतलब हम लोग बोले बाबू ऐसे काहे कर रहा, हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने, एक आध दिन बर्दाश्त करेंगे, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया का मीठा खा रहा, हम लोग कहाँ से लाएंगे, 2200 रुपया 2100 रुपया गैस का दाम हो गया, तेल का दाम 2200 रुपया टीना हो गया, तो हम लोग कहाँ से देंगे। हम लोग कार्रवाई उसके ऊपर हो। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि क्षेत्र में नशेड़ियों एवं नशा कारोबारियों की हरकतों से स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। रोड जाम किया तब अभी सीधा थाना प्रभारी आए हैं और बोलते हैं कि रोड जाम हटाइए। हम लोग रोड जाम करने का हम लोग का मंशा नहीं है, लेकिन हम लोग प्रशासन को आग्रह करते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे ब्राउन शुगर बेचना बंद कीजिए और बंद करवाइए, और जो भी असामाजिक तत्व इस तरह के काम कर रहे हैं दुकानदारों को सुरक्षा दीजिए। दूसरी ओर घटनास्थल पर पहुंचे सीताराम डेरा थाना प्रभारी अशोक मंडल ने बताया कि विशाल होटल में तोड़फोड़ के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। उनकी शिकायत पर दोषी युवकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कल्याण नगर में विशाल होटल है, और इसी विशाल होटल में आज सुबह एक लड़का आकर के जो सिंघाड़ा का इसका शोकेस था उसको पत्थर मार के तोड़ दिया है और चाकू दिखाया है, जैसा कि इनका आरोप है। इस संदर्भ में विधिगत कार्रवाई की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ब्राउन शुगर पर जमशेदपुर पुलिस बहुत अच्छा से काम कर रही है, और अगर अब भी कोई सूचना मिलता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं और करते रहेंगे। आइए बात करते हैं सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा SMP को दी गई चेतावनी की। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने स्वर्णरेखा से झारखंड के किसानों को पानी नहीं मिलने की स्थिति में उड़ीसा का पानी रोकने की चेतावनी दी है। सांसद ने घाटशिला में कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी कि क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिलने की स्थिति में हेमंत सरकार का हुड़का जाम किया जाएगा।
सांसद विद्युत वरण महतो ने घाटशिला के गालुडी बराज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घाटशिला मुसाबनी गोराबांधा क्षेत्र के सैकड़ों गांव के किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुसाबनी और गोराबांधा प्रखंड के किसानों को स्वर्णरेखा परियोजना से सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना से उड़ीसा जाने वाली पानी को रोकने के साथ ही एसएमपी प्रशासन का हुड़का जाम भी करेगी। सांसद ने कहा कि उड़ीसा के किसानों को सिंचाई का पानी दिए जाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जिन किसानों की जमीनें नहर निर्माण के लिए वर्षों पहले अधिग्रहित की गई है और एसएमपी ने किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने का बकायदा एग्रीमेंट किया है, उनके खेतों को पानी नहीं मिलता है। गोराबांधा प्रखंड के 74 गांव के 500 से भी अधिक किसानों ने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए दिए हैं। अब राज्य सरकार नाबार्ड से फंड लेकर शाखा नहर का काम शुरू कराए। यहाँ के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले तो वे झारखंड ही नहीं सीमावर्ती बंगाल एवं उड़ीसा को भी सब्जियों की आपूर्ति कर सकते हैं। काफी लोग विस्थापित हुए, लेकिन अफसोस की बात है ये कनाल का पानी उड़ीसा सिंचाई के लिए जा रहा है। 74 गाँव ऐसे लिस्टेड है, 100 से ऊपर गाँव जो सिंचाई राइट कनाल जो है इधर से जो जाती है, इनको मुड़ाकाटी साका नहर भाटिन से धोबनी कुल 65 किलोमीटर बनना है, 65 किलोमीटर इसको बनाना है। ग्रामीण को कहना कि मुड़ाकाटी साका नहर जो खरका बरज के निशुद है, 74 गांव को पानी दिया जाएगा, ये सरकार ने एग्रीमेंट किया था। दोस्तों मुड़ाकाटी नहर नहीं बनने से उनका साथ पूरा पूरी नाइंसाफी हुआ यहाँ के किसानों के साथ। 74 गांव के किसानों लगभग 500 लोग ने हस्ताक्षरित माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर पानी देने का गुहार लगाया, लेकिन उनके बाद भी नहीं सुनी गई। उसका चिट्ठी भी मैंने साथ में उसका रिकमेंड किए थे, इसको काम को शुरू किया जाए और मांग करते राज्य सरकार से कि जब तक झारखंड की नहर में मुड़ाकाटी नहर को नहीं बनाया जाता उसके माध्यम से पानी नहीं छोड़ा जाता, उसको नहर को नहीं बनाया जाता, तब तक उड़ीसा का पानी को रोका जाए। भारत सरकार ने समझौता के अनुसार पैसा आवंटन किया है तो इनको जो है इसको काम को पूरा करना चाहिए। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और लोग 80% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। अब भारत सरकार जहां जहां भी इस तरह की योजना को लाया है उसमें निकटवर्ती ग्रामीण को सिंचाई की व्यवस्था देने का सरकार का नियम है। अगर नहीं इसको बनाया जाएगा तो भविष्य में किसान आंदोलित होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और हम लोग स्वयं उनका साथ होंगे और वो जो उन्होंने आवाज दी है कि जब तक झारखंड को पानी नहीं तब तक उड़ीसा पानी को रोका जाए। और बात करते हैं जुगसलाई की खिलौना दुकान में एक हफ्ते में दूसरी बार हुई चोरी की। जमशेदपुर के जुगसलाई स्टेट बैंक के पास स्थित रवि टॉयज दुकान में गुरुवार रात एक सप्ताह में दूसरी बार चोरी हो गई। चोर दुकान के पीछे से चढ़े एवं टीन की छत काटकर अंदर घुसकर इलेक्ट्रॉनिक खिलौने एवं गल्ले से 3-4 हजार रुपए नगद चोरी कर ले गए। बता दें कि जुगसलाई स्टेट बैंक के पास ग्वालापाड़ा रोड में विगत एक महीने में 4 बार चोरी की घटनाएं घट चुकी है। रविंद्र भाटिया के रवि टॉयज दुकान में अभी कुछ दिन पहले ही चोरी हुई थी और रविवार रात चोरों ने दोबारा उसी अंदाज में दुकान की टीन की छत काटकर अंदर प्रवेश किया और दुकान से इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और 3-4 हजार रुपए नगद चोरी कर ले गए। शुक्रवार सुबह दुकानदार रविंद्र भाटिया ने अपनी दुकान खोली तो उसमें सामान एवं गल्ले से रोजगारी रुपए गायब मिले। रविंद्र भाटिया ने बताया कि इस क्षेत्र में चोरी की ये एक माह में चौथी घटना है, उसकी ही दुकान में एक हफ्ते में ये दूसरी बार चोरी हुई है। यहाँ एक महीना में करीब 4 बार हो गया है। एक बगल में सदाना ऑप्टिकल्स के यहाँ शुरुआत हुआ था, फिर बाद में गौरव मेडिकल है उनका छत टान के हुआ, तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरा यहाँ 2 बार हो गया, कुल मिला के 4 घटना 4 बार हो गया। इसको मैसेज किया, पुलिस आई भी जो सेकंड बार में फर्स्ट टाइम मेरा हुआ तो पुलिस 2 घंटे बाद आई, फिर भी हमने उनको दिखाया जो था उनकी अपनी कार्रवाई, उन्होंने बोला हम लोग कार्रवाई करेंगे और बोल के आश्वासन दिया बस, और उसके बाद से कोई कार्रवाई होती तो आज सेकंड घटना नहीं घटती। तो सुबह आए दुकान मेरा सामानों में, हम दुकान खोलते हैं, जब मैंने शटर उठाया तो देखा मेरा गल्ला पूरा बिखरा हुआ है सामान सब, इसमें जो कुछ 2-3 हजार का चिल्लर उल्लर थे वो गायब है और मेरा सब पेपर्स वगैरह निकले हुए हैं।
फिर अलमारी वगैरह भी खुली हुई थी सामान, अब लग रहा है सामान भी कुछ निकला है, अब कितना का निकला है तो अनुमान हम अभी देखेंगे, चेक करेंगे तो उसके बाद ही बता पाएंगे। वहीं दुकानदार रविंद्र भाटिया के पिता सुरेंद्र सिंह भाटिया ने बताया कि वे जब घटना की शिकायत करने थाना पहुंचे तो थाना प्रभारी ने उन्हें मैन पावर की कमी बताते हुए कहा कि उन्हें मैन पावर चाहिए। सुरेंद्र सिंह भाटिया ने कहा कि वे थानेदार को मैन पावर कहां से दिलाएंगे, ये तो प्रशासन का काम है। लड़का है, खोला दुकान, देखा सब माल सामान गल्ला से निकला हुआ है, पैसा भी खुचरा पैसा था 3,000-4,000 का, वो ले गए हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गए हैं। थाना में गए हैं बुलाने के लिए तो थाना आ गया जल्दी, आज आ गया जल्दी, और बड़ा बाबू के पास में अभी मिलने गए तो बड़ा बाबू बोलते हैं कि मेरे पास मैन पावर नहीं है, मैन पावर मेरे को चाहिए, तो मैन पावर तो हम लोग नहीं दिला सकते ना, ये तो प्रशासन का काम है ना। दूसरी बार होगी एक हफ्ता में, और हमारी लाइन में 4 बार, और हमारी लाइन में 4 बार होगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।